नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, मैंने आपको विग्रह प्रतिष्ठा के बारे में तो बता दिया है कि नित्य पूजा और विशेष पूजा के लिए आपको किस तरीके से विग्रह में जो है प्राण प्रतिष्ठा करना है सहज सरल गृहस्थ पद्धति से। आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चित्र में पूजन करते हैं यानी कि प्रतिकृति में अगर आप पूजन करते हैं तो किस तरीके से आपको जो है भगवान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो देखिए, चित्र में वैसे कोई अलग से कुछ नियम जो है ना वो नहीं होता है, मतलब चित्र जो है आप ऐसे ही रखकर जो है केवल मात्र आरती करके ही उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो आपका भी ये मन नहीं हो सकता है, क्योंकि विग्रह कोई भी हम चित्र आदि रखते हैं तो ये हमारा मन होता है कि थोड़ा विधि विधान के साथ जो है थोड़ा सा अगर नियम के साथ अगर हम उनकी प्रतिष्ठा कर पाते तो ये अच्छा होता। तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप में से कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो विग्रह में तो होता है पर क्या चित्र में जो है वो किसी भी विधि का पालन नहीं किया जा सकता। तो हाँ, चित्र में पालन नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है, पर चित्र में जो है उतने सारे विधि आदि के जरूरी नहीं होता है दोस्तों। इसमें केवल आरती ही जो है ना वो काफी होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जी के जो है मैंने फोटो यहाँ पर रखा है, तो लक्ष्मी नारायण के जो है आप चित्र इस तरह से रखे हैं, आपने जो है कलश भी जो है रख लिए हैं। अब जो है आपको क्या करना है दोस्तों, कलश आदि भी आपने स्थापना कर ली, अब जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से जो है, तो अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से सबसे पहले आप श्री नारायण को जो है आप 108 बार उनकी गायत्री का जो है वो जाप करें, और उसके बाद जो है 108 बार माँ लक्ष्मी के गायत्री का जाप आप करें। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जो है मैंने विग्रह की वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल उसी नियम के साथ जो है अनामिका और अंगुष्ठ के साथ जो है श्री नारायण के मस्तक पर ऐसे रखकर पहले जो है श्री नारायण का आप करें और उसके बाद जो है माता लक्ष्मी का करें। बहुत सारे लोग आप में से ये पूछते हैं कि अगर दोनों का है तो दोनों का ही अलग अलग से जो है ये सारी विधि करना होता है। हाँ, नियम जो है वो वही है कि आपको हमेशा हर किसी के अलग अलग करने होते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में जैसे कि जिनके गायत्री पाठ आदि होते हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, तो सभी के किए जाते हैं, उनके वाहन आदि से लेकर जो है हर देवी देवता के गायत्री के साथ जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि होती है, और वाहन आदि उन सभी का भी होता है। तो ये जो है हमारे ये प्रतिकृति में मतलब चित्र में जब हम पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल सेम नियम से जो है बिल्कुल सेम नियम से आपको सबसे पहले श्री नारायण की करना है और उसके बाद माता लक्ष्मी की करना है। अब बाकी जिन भी देवी देवता के आप रखेंगे उनके गायत्री का जो है आपको 108 बार पाठ करना है, 108 बार जो है आपको श्री नारायण के और माता लक्ष्मी के, उसके बाद जो है 108 बार आपने पाठ कर लिए। अब इसके बाद जो है प्राण वायु स्वरूप धूप के साथ और पंच इंद्रिय स्वरूप दीप के साथ, देखिए दोस्तों, भगवान जो है ना हम चाहे प्रतिकृति रूप में करें, हम चाहे विग्रह रूप में करें, केवल मात्र कलश रख के ही हम लोग क्यों ना पूजा करें, भगवान जो है पंच वायु और जो है तेज स्वरूप में हमारे चारों ओर हमेशा विराजमान है सूक्ष्म रूप से। तो उन सूक्ष्मता को ही जो है हम मूर्ति में प्रतिष्ठित करते, वो उस सूक्ष्मता के साथ ही हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, हमारे उस हृदय के तेज और प्राण वायु से ही हम विग्रह में प्राण आदि प्रतिष्ठा करते हैं। और फोटो में भी जो है जब हम जो है चित्र में भी पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी जो है हम सबसे प्रथम जो है सबसे प्रथम तो वैसे हमें ज्योति ही प्रज्वलन करना है। ज्योति प्रज्वलन करने के बाद हमें 108 बार जो है हम यहाँ पर जैसे श्री नारायण और माता लक्ष्मी है तो श्री नारायण की सर्वप्रथम जो है अनामिका और अंगुष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ जो है हमेशा याद रखिएगा, अनामिका और अंगुष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ से जो है उनके मस्तक पर स्पर्श करते हुए 108 बार गायत्री का पाठ करना है, और उसके बाद जो है माता लक्ष्मी के 108 बार गायत्री का पाठ करना है, और उसके बाद जो है हम एक तो जो है सबसे पहले जो है धूप से हम आरती करेंगे, और आरती करते हुए भी जो है हम 10 बार जो है गायत्री का पाठ करेंगे धूप से भी जो है, और उसके साथ साथ जो है हम दीप से भी जो है पंच इंद्रिय स्वरूप जो है पंच दीपक से जो है आरती करते हुए भी जो है हम 10 बार गायत्री का पाठ करेंगे। यानी कि धूप से जो है हम जब प्राण वायु स्वरूप धूप से पंच वायु के प्रतीक धूप से जो है हम आरती कर रहे हैं तो उस समय भी जो है हम गायत्री का पाठ करेंगे,
और उसके साथ साथ जो है पंच इंद्रिय प्रतीक, जब दीप के साथ हम आरती कर रहे हैं तो उस समय भी जो है हम गायत्री पाठ करते हुए ही जो है श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र जो है उनकी स्थापना करेंगे। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो है नित्य दिन वायु प्रापंच वायु स्वरूप में और तेज स्वरूप में जो है हमारे इस पूजा आदि को ग्रहण करिएगा भगवान। इस प्रकार से मतलब योति स्वरूप में, मूल विषय है कि योति स्वरूप में जो है हम आपके चित्र जो है वो प्रतिष्ठा कर रहे हैं हमारी नित्य पूजा आदि के लिए। क्या विशेष पूजा के लिए? आप विशेष पूजा अगर होंगे तो कहिएगा कि आप हमारे इस विशेष पूजा को जो है, इस तिथि की पूजा को जो है वो संपूर्णता ग्रहण करिएगा, यहाँ पर युति स्वरूप में विराज कर जो है। और अगर आप नित्य सेवा पूजा के लिए कर रहे हैं तो कहिएगा कि युति स्वरूप में आप जो है पंच पंच प्राण पंच वायु और तेज स्वरूप दीप तेज मतलब पंच वायु और तेज स्वरूप में जो है युति स्वरूप में आप जो है हमारी नित्य पूजा जो है वो ग्रहण करेगा भगवान। इस प्रकार से जो है ना आपको बस स्थापना करना है। ये बहुत सरल विधि है, मतलब मैंने आपको कहा ना कि चित्र में तो उस प्रकार से कोई अलग से विधि नहीं होता है, पर ये एक जो है, जो लोग सोचते कि नहीं हम विग्रह में पूजा नहीं कर रहे तो हमें क्या इन सारी चीज़ों को करने का, मतलब प्रतिष्ठा आदि विधि करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा तो पहली बात नहीं है। हर किसी को हर चीज़ करने का अधिकार है, पर उसके कुछ विकल्प पथ पर चलकर जो है, पर चित्र में अलग से कोई प्राण प्रतिष्ठा का नियम नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है कई वीडियो में बताया भी है और इसके आगम प्रमाण भी मैंने जो है दिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चित्र में जो है पूजा नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास है। आगम शास्त्र में जो है इसके बारे में संपूर्णता कहा गया है कि किनके जो है प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन होंगे और किनके जो है प्राण प्रतिष्ठा के बिना, मतलब किन प्रतीकों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजन होंगे और किनके जो है प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है पूजा के लिए जो है। तो चित्र शिला आदि इनके जो है प्राण प्रतिष्ठा के अलग से जरूरत, जैसे यंत्र जो होता है इनके जरूरत नहीं होती, वानेश्वर लिंग शालग्राम शिला इनके जो है अलग से प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। चित्र में भी उस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की कोई विधि नहीं होती, पर आप जो है इस प्रकार से आप अंगुष्ठ और अनामिका के माध्यम से गायत्री आप 108 बार जाप करिएगा और उसके बाद जो है आप धूप दीप से आरती करते हो। घंटा वादन आप कर सकते हैं, पर क्योंकि लक्ष्मी माँ यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर कई किसी जैसे कि कई जगह पर कुलाचार होता है कि या प्रदेशाचार होता है कि वहाँ पर घंटी वाद्य नहीं किए जाते हैं, यानी कि घंटी नहीं बजाए जाते, तो वहाँ पर गायत्री के पाठ के साथ ही जो है आपको आरती करना है और उसके साथ साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु माता आप जो है युति स्वरूप में जो है पंच प्राण वायु रूप में तेज स्वरूप योति रूप में जो है आप हमारे पूजा आदि जो है वो अगर विशेष पूजा कर रहे हैं तो हमारी इस विशेष पूजा को ग्रहण करिएगा और नित्य पूजा कर रहे हैं नित्य पूजा के लिए स्थापना कर रहे हैं तो नित्य सेवा पूजा जो है आप योति स्वरूप में नित्य दिन ग्रहण करिएगा, ये प्रार्थना जो है वो आपको करना है। अब ये तो विधान हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या विग्रह प्रतिष्ठा के जो यह प्राणा आदि प्राणा यह प्राणा सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि इस प्रकार के मंत्रों के साथ क्या हम नहीं कर सकते? हाँ कर आप सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर वो जरूरी नहीं है। तो अगर आप जो है बिल्कुल विग्रह प्रतिष्ठा के नियम के अनुसार आप मान लीजिए कि करना चाहते हैं कि नहीं हम जो है चित्र में पूजा तो कर रहे हैं पर हम उस नियम के अनुसार जो है करेंगे, तो इसमें कोई गलत कुछ नहीं है, ये आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो है प्राणा यह प्राणा उसके बाद जो है मतलब जिस ऑर्डर से जाएगा सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि वाङ्मनस चक्षु आदि इस प्रकार से जो है बिल्कुल आप जो है विग्रह प्रतिष्ठा की जो विधि है बिल्कुल उसी प्रकार विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि के साथ ही आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पर जो है चित्र में जो है वो सारे नियम आवश्यक नहीं होता है, यहाँ पर आप केवल गायत्री के माध्यम से और आरती करके एक्चुअली केवल मात्र जो है ना बहुत सारे जगह पर चित्र प्रतिष्ठा जो किए जाते हैं और जो इन सारे विषयों के जानकार होते हैं उनका भी कहना है कि केवल जो है आरती के माध्यम से गायत्री पाठ के साथ आरती के माध्यम से ही जो है चित्र आदि जो है वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी कि जिसे स्थापनी या पर प्रतिष्ठा आरती कहते हैं उसके माध्यम से ही जो है ना चित्र आदि के स्थापना किए जा सकते हैं। उसके लिए अलग से विधि की कोई आवश्यकता अलग से नहीं होती, पर आप लोग कई लोग करना चाहते तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप लोग जो है गायत्री पाठ के साथ उसके बाद जो है आप आरती आदि करके आप
भगवान की चित्र जो है वो प्रतिष्ठा कर सकते हैं विशेष पूजा और नित्य पूजा के लिए। और अगर आप विग्रह प्रतिष्ठा के नियम के अनुसार ही जो है करना चाहते हैं, विशेष पूजा में कई लोगों का एक्चुअली मन होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो तो मूर्ति नहीं रखते हैं, वो चित्र में ही पूजन करते हैं, तो उनका ये मन होता है कि क्या हम इस विधि के साथ जो है वो कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। चित्र में जो होता है, चित्र में जैसे कि विसर्जन विधि जो है वो अलग से कुछ नहीं होता है दोस्तों, विसर्जन विधि जो है वो अलग से कुछ नहीं होता है, कलश विसर्जन ही जो है वो नियम होता है। चित्र में अगर आप पूजन कर रहे हैं विशेष पूजन, तो उसमें चित्र का विसर्जन मतलब जो पानी में छवि आदि देखकर जो विसर्जन की जो विधि होती है, जिसे प्रतीक विसर्जन कहा जाता है, वो चित्र में असल में नहीं होता है कुछ भी, केवल मात्र कलश विसर्जन जो है उसी के माध्यम से विसर्जन क्रिया किया जाता है। कलश को खिलाकर उसके बाद जलाशय में विसर्जन के माध्यम से विसर्जन क्रिया होता है। तो आप लोग जो है अगर प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि विग्रह के नियम से कर भी रहे हैं, तो उसमें विसर्जन का कोई अलग से विषय नहीं है विशेष पूजा के विषय में, तो ये बात जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है आप जैसे मैंने आपको सरल विधि से बताया, चित्र में पूजन मतलब चित्र में प्राण प्रतिष्ठा जो है उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, गायत्री पाठ के साथ और आरती के साथ, या फिर केवल आरती के साथ भी किए जा सकते, पर ज़्यादातर लोगों का मन यही होता है, तो आप गायत्री पाठ के साथ इस प्रकार से आरती करके आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जो लोग जो है विशेष पूजा में थोड़ा विशेष तौर पर विग्रह के नियम के अनुसार ही जो है प्रतिष्ठा आदि विधि करना चाहते, तो वो भी कर सकते, उसमें कुछ गलत बात नहीं है दोस्तों। तो यही था कि चित्र में किस तरीके से जो है प्रतिष्ठा की जा सकती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो चित्र में पूजन करते तो क्या हम लोग कोई विधान आदि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं, बस थोड़ा सा ना हमें समझना होता है कि हम जो है क्या मतलब किस ऑर्डर में करेंगे। हर विधि जो होता है, हर विषय की जो है वो अलग होता है, विग्रह में एक अलग नियम होता है, शिला में एक अलग नियम होता है, चित्र में, कलश में, इन सारी चीज़ों में एक अलग अलग नियम होता है, मतलब हर किसी प्रतीक में जो है वो अलग अलग विधि के अनुसार होता है दोस्तों। तो चित्र में आवश्यक नहीं होता है, पर इतनी सी विधि के साथ जो है आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसे एक्चुअली प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता, चित्र में तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता, ये धूप वायु आदि यानी पंचवायु और दीप के माध्यम से आरती से जो है प्रतिष्ठा आप बोल सकते हैं कि चित्र प्रतिष्ठा जो है वो आप बोल सकते हैं। मंदिर में आप नित्य पूजा के लिए अपनी चित्र प्रतिष्ठा की, या फिर विशेष पूजा के लिए अपनी प्रतिष्ठा की, तो ये पंचवायु रूप धूप से दीप से आरती और ज्योति रूप दीप से आरती करके जो है ये प्रतिष्ठा विधि हो जाता है। इसे उस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता, ये पूजा आपके आराधना ग्रहण करने के लिए भगवान की प्रतिष्ठा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चित्र के विषय में आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम लोग किस तरीके से प्रतिष्ठा करें, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को फिर भी इसके बारे में और कोई सवाल आदि करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके यहाँ पर मेल करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।